आज दिनांक 19 सितंबर 2021 को महादेवी वर्मा पुस्तकालय में रेवांजलि नार्मदी ब्राह्मण सृजन संस्था इंदौर द्वारा चुनावी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महासभा के प्रत्याशी, वोटर व समाज के गण, गांव गांव तक चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया। गुल्लक बनाते हैं और बनाएंगे गुल्लक बहुत अच्छे। और पापा से कहा कि अपन इसमें एक एक रुपया रोज डालेंगे और अपने यहाँ जो भी मेहमान आएगा अपन उसको कहेंगे आप 1 रुपये 2 5 रुपये 10 जो भी डालना हम डालेंगे। पहला है आक्रोश और दूसरी अपेक्षा। मैंने आपकी शिक्षा के लिए अपने आप का टोटल ध्यान दिया। अब जो बचा है मेरा अपना है, मेरा समाज का है कि समाज के प्रति निष्ठा का विचार सही समय को हो जाता है तो वो आपका आगे तक ले जाती है। मैं पहले दिन से एक आग्रह करता आया हूँ कि समाज में चुनाव होना ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है, सोचना कि अगर हम नागरिक समाज के बुद्धिजीवी परिवार के व्यक्ति और हमारे मन में और बचपन से ही ये समाज की सेवा का भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम किस माध्यम से एक प्रकार हम किस प्रकार समाज की सेवा कर सकते हैं, हमारे कार्यों को लेकर और हमारे सारे चीज़ों को संकल्प करके हम किस प्रकार से समाज की सेवा कर सकते हैं। ये संविधान को पुख्ता सर्वसमावेशी हर शंका कुशंका का समाधानकारी सर्वजन के लिए हितकारी निस्वार्थ भाव से निरपेक्ष भाव से निष्पक्ष भाव से जो मनाया जाएगा वो बहुत जरूरी है, उसके लिए आगे बढ़ना है। बड़ा निर्णय ये रहेगा कि जितनी इकाइयां हैं जहाँ जहाँ मेरे नागरिक समाज का व्यक्ति रहता है वो इकाई में रहता होगा, वो किसी एक जिले में एक मकान भी होगा तो समाज का कोई भी प्रस्ताव होगा महासभा के खुले अधिवेशन में जनता के बीच प्रस्तुत किया गया और आगे आने वाले चुनाव में तीनों उम्मीदवार इंदौर की पसंद है। 35 इकाइयां बाकी हैं साहब हिंदुस्तान में, नहीं इंदौर को छोड़ दीजिए, इंदौर छोड़ दीजिए, 2 बार हो गया, तीसरी बार के लिए भी तैयार, चौथी बार के लिए भी, अगले 10 साल में अगर इंदौर की इकाई रहेगी। इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके बाद जो सम्मेलन हुए 2000 से 2000 सम्मेलन क्या राशि आई, कितना खर्च हुआ, किस किस से क्या प्राप्त हुआ। हमारे बुजुर्ग 1921 में जो हटा द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसकी पुस्तिका मेरे पास रखी है। महासभा का कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, महासभा को चूंकि रजिस्टर्ड सत्ता है हर वर्ष कराना चाहिए, बैलेंस शीट बना के जितने आम भारतीय प्रकाश काशी जी कर दीजिए आप दादा नर्मदे है रेवांजलि नार्मदी ब्राह्मण सृजन संस्था का आज ये कौन सा कार्यक्रम रखा चुनावी चौपाल के नाम से और इसका आपका मोटिव क्या था? चुनावी चौपाल महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर हमने रखा था। हमारा दृष्टिकोण ये था कि अखिल भारतीय नागरिक ब्राह्मण महासभा जन जन तक पहुँचे, जो प्रत्याशी हैं वो अपनी बात आम नागरिक तक पहुँचाए, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या क्रियान्वयन अपने उनकी क्या व्यू रचना है। करीब 1 महीने से हम प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न आए, इंदौर भोपाल नागपुर जबलपुर मुंबई मंडलेश्वर महेश्वर सभी स्थानों से प्रश्न आए थे, किंतु समय अभाव के कारण हमको उनमें से
सेलेक्टेड कुछ प्रश्न प्रश्नों की भावनाओं को हमने समझा और कुछ प्रश्न जोड़ के बनाए और वो प्रत्याशियों से। बहुत बढ़िया, इससे समाज को कहीं ना कहीं सही महासभा अध्यक्ष मिलेगा। इससे समाज को जो भी महासभा अध्यक्ष मिलेगा, आम जनता की जो दृष्टिकोण है उन तक पहुंचेगा। समाज से ये चुनावी चौपाल कैसे जुड़ा है? देखिए, अभी तक जो इकाइयों माना ये जाता था कि इकाई से जो मतदान किया गया और उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, तो जो इकाई का जो मतदाता है उसके ऊपर ये प्रभार रहता था कि वो अध्यक्ष चुन ले। लेकिन ये कार्यक्रम से इकाई के मतदाताओं को भी और इकाई के अध्यक्षों को भी ये मैसेज गया है कि समाज अब सोया हुआ नहीं है, समाज जागा हुआ है और पिछले 10 सालों से जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें करेक्शन चाहते हैं। इकाइयों के बजाय जनता चाहती है कि हम भी वोट दें। और बड़ोले जी ने उसका बहुत अच्छा आंसर दिया कि 50 रुपये में हम यूनिट, मतलब भविष्य में संविधान परिवर्तन होगा और आम आदमी इसका वोटर बनेगा। बिल्कुल बात है, ये आम जन की भावना है, युवाओं में आक्रोश है और वो संविधान में संशोधन चाहता है। नर्मदे जी, रेवांजली ने एक्चुअल चुनावी चौपाल या प्रत्याशियों को मंच क्यों दिया? हाँ, ये मंच इसलिए दिया गया है कि जो प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से अपने अलग इकाइयों में अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना परिचय दे रहे थे, रेवांजली ने ये पहला ऐसा कदम उठाया कि सभी प्रत्याशियों को एक मंच दिया ताकि वह अपनी बात जन जन तक पहुँचा सके और सबके आपसी जो विचार है वो सबको प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसलिए मंच दिया गया, इसका आयोजन किया गया ताकि दूर से उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारी बातें लोगों तक पहुँचे, मतलब जो प्रत्याशी की सब बातें पहुँचे, एक ही मंच पर सारे प्रत्याशी इकट्ठे हो, यही उनका हमारा उद्देश्य रहा कि हम सबको एक जगह लाएं। बहुत बढ़िया।